अगली खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से है, जहां देखरेख के अभाव में ई शौचालय की स्थिति दयनीय होती जा रही है। बता दें कि ई टॉयलेट के उपयोग में वृद्धि स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन में है, जिसको देखते हुए धमतरी में 2013 और 2014 में ई शौचालय का निर्माण किया गया था, जहां मुंबई से 20 लाख की मशीन लाकर शहर में स्थित तहसील कार्यालय के पास स्थापित किया गया था। इधर बंद पड़े ई शौचालय की स्थिति को देखकर लोगों ने दूसरा शौचालय बनवाने की मांग की, तो वार्ड पार्षद ने नगर निगम को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ा। देखिए, ये पूरी स्थिति प्रदेश की है, और मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें स्वच्छता सर्वे में पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान धमतरी जिले का था। और आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही पीछे से पहला स्थान धमतरी जिले का है स्वच्छता में। और जो केंद्र सरकार की महती योजना है भारत मिशन, शौचालय के लिए, ई शौचालय के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को 12,000 रुपए दिए गए, और स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ध्यान दिया और प्रत्येक घर में शौचालय बनाए गए। 6,000 की 2 किस्ती गई। उसी संदर्भ में जो महानगर निगम है उनको भी शौचालय प्रदान किए गए। बट बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इनके पास स्वच्छ रखने के लिए कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी स्वच्छता अभियान के लिए भेजे गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जो बजट आया गया, वो कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, किसी के घर में काम कर रहे हैं, कोई ड्राइविंग कर रहे हैं। स्वच्छता पूरा शून्य है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे बड़ी समस्या अगर धमतरी में कुछ है तो सफाई को लेकर है। और हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें सबसे बड़ी जब हम सुबह उठते हैं सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि सफाई नहीं हुई है। तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ झाड़ू 2 साल में नहीं खरीदा गया है, कोई किट नहीं है इनके पास, केवल और केवल ये इसमें मस्त है और कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। ई शौचालय एक बहुत अच्छी सुविधा थी, लेकिन उसका क्या हुआ, प्रचार प्रसार ढंग से हुआ ही नहीं। आज मैं समझता हूँ मेरे जैसे आदमी को भी ये मालूम नहीं है कि धमतरी में ई शौचालय आ गया है, तो आम जनता को क्या मालूम होगा। आम जनता को प्रचार प्रसार होगा तो मालूम पड़ेगा कि ई शौचालय लगा गया और उसका सही उपयोग होना चाहिए। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो टैक्स निगम को दी गई है उसका पैसा हमारा बेकार में चला गया।